अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम चे 7 बजे तो कशर खबर नामा हेत चुस बु साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मंज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जाननो ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। नई दिल्ली में खर्ज वजारत तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस इंडिया दौरस हवाल इन माकूल सिक्योरिटी इंतजाम कर तर्जमान। नई दिल्ली तरफ प्रेस वीज जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सगा जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन इज्जत दुन नई दिल्ली हिंद जिम्मेदारी मोहम्मद अलताफ बुखारी। तो बड़गमस तो वर्मिलस में स्मार्ट मीटर नस्ब कर खिलाफ एहतजाज महकमे बिजली तो इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम कर मुजाहरीनों मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। नई दिल्ली में आज मरकजी खर्ज वजारत तरफ हफ्तवार प्रेस ब्रीफिंग सांझ कर आमुत यह दौरान वजारत तर्जमान जराय इबलाग तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो चीन सवाल प्रश्न आमत सवाल जवाब दिवान वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस भारत इन पे तिथे पुट सिक्योरिटी हिंद इंतजाम कर बाकी मुल्क चन टीम हिंद बापत कर। In the upcoming World Cup to be hosted by India, Pakistan cricket team will be treated just like the cricket team of any other country participating in the ICC World Cup. As regards security issues, I think the question should be better directed towards our security agencies or the organizers. Of course, we would hope that all necessary security will be provided not just to them but all other participating teams. Look, on this one, I think we have mentioned a few times what we have a long standing position on this, on the need to adhere to the international law in the context of issues relating to South China Sea, and also for a rules based order. We have also underlined the need for peaceful settlement of disputes, and I think that's what we would reiterate related to your query. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज सोब बड़गमस में कन्वेंशन सांझ कर आमुत यथ मज पार्टी सरबरा मोहम्मद अलताफ बुखारी गुलाम हसन मीर तो दोमो लीडरों अलावा वर्करों शिरकत कर अत मौक पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिन आव तत मोहम्मद अलताफ बुखार वोनमुत नई दिल पज जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंदन जज्बात हज कदर करें युद्ध जन जम्मू कश्मीर में रोजन वे लू तजत सान दो गुजार तमो पुलिस कुन इशार कर वोन मौसूम नौजवान हज गिरफ्तारी पेट रोट लागनस हवाल गसन कदम तुलने यिन युद्ध जन हिरासत में निन वाल नौजवान हिंद घर वाल आवलिनस मज हन यिन मंजूर कर गुलाम अहमद मीर साहब युद्ध जन तो अखनस तम सात जम्मू कश्मीर मज रूद न कहीं अस बाश मगर अफसोस जखम दिन तमाम इतने बड़े बड़े गांव दिल्ली ने हमें दे के अगर हम हिसाब करेंगे तो शायद उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं लेकिन हम मजबूर हैं ये हमारा मुल्क है और हमें इनसे ही बात करनी है। हमारे लिए कोई दूसरा मुल्क कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम भी देखते दाएं बाएं लेकिन दाएं बाएं देखने वाली बात तो है नहीं। इस मुल्क में जो इस मुल्क के आईन में हमें हुकूक है वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। हम और कुछ नहीं मानते, हम चांद सितारे नहीं मानते। मैं दिल्ली से कहता हूँ हम चांद सितारे नहीं मानते। वही हुकूक हमें दे दो जो पूरे हिंदुस्तान में आम खेलों को, मेरे बच्चों को भी हक है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे और बिला किसी खौफ के चलेंगे। मेरी माओं को भी हक है कि उनके बच्चे यहाँ से बाहर गए कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में और वो बहिफाजत घर आएंगे, या यहाँ बच्चे यहाँ से निकले और श्रीनगर गए उनको कहीं ये नहीं पकड़ा जाएगा किसी नाते पे और कहा जाएगा ओ इसके तो बम और ग्रेनेड पकड़े गए। हमें पता है ये बम और ग्रेनेड कहाँ से आते हैं। जो अरबाब इख्तदार हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ एक वक्त आएगा इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये ग्रेनेड जो आप हमारे नौजवानों से दिखाते हैं और जो पिस्टल दिखाते हैं हमें पता है ये कहाँ से आते हैं। इनाम आप ले लो, आप इनाम लेते हैं हमारे नौजवानों को पकड़ के, लेकिन इनाम में इनकी जिंदगियां ना लो। आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भाई हैं, आपकी भी बेटियां हैं, क्या कर रहे हो? ये क्या ये कोई इंसाफ है? ये कोई इंसाफ है कि किसी नौजवान को यहाँ से घर से निकला है माँ के लिए दवाई लाना है उसको लाल चौक से और आप किसी नाके पे उसको पकड़ते हो फिर 10 दिन बाद कहते हो कि इससे 2 ग्रेनेड और 6 पोस्टर बरामद हुए?
पोस्टर बनाने वालों का भी हमें पता, पोस्टर निकालने वालों का भी हमें पता, ग्रेनेड देने वालों का भी हमें पता, लेकिन अभी शायद वक्त नहीं आया है कि हम उंगुश नुमाई नहीं करते हैं। जिस दिन अल्ताफ बुखारी उस उंगुश नुमाई पे आया, उस दिन शायद कोई अपना चेहरा यहाँ बचा नहीं सकेगा। जैसा ये सच है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, वैसे ही ये भी सच है कि हम गयूर आवाम हैं, हम बाइज्जत लोग हैं, हमें इज्जत से पेश आओगे, जान भी दे देंगे, लेकिन हमारे साथ ज्यादती करोगे तो ये अच्छा नहीं है। ये ठीक है, हम अमन पसंद है, हमें ये भी मालूम है अमन के फायदे हमें हैं, अमन के फायदे दिल्ली को नहीं है हमें हैं, लेकिन उस अमन का भी क्या करें जिसमें हमारी इज्जत पामाल हो गए, हमारी इज्जत। جنوبی کشیر ہندس کلگمس مجھے آج نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنوینشن سانس کرنا آمت یت مز پارٹی سینئر لیڈر سکینہ یتو تو عمران نبی ڈارس علاوہ دویمیو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یت کیا سیاسی ورکر نیشنل کانفرنس پارٹی مز شامل سپد تت لیڈرو تو ورکرو طرف تہد والحان استقبال کرنا آمت یل زن ورکرن پہ زور دن آو تم گھن پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت سکسان کم کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی مز شامل سپدن بالکل ایک کھلی کتاب ہے جو ایک جمہوری حق ہے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چنی جاتی ہے اس کا پانچ سال کا ٹائم ہوتا ہے پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں آج تو 14 کے بعد 10 سال ہونے لگے ہیں پہلی بار اتنا لمبا جو ہے گورنر رول جموں کشمیر میں چلا ہے اتنا لمبا گورنر رول تو ملیٹنسی میں بھی نہیں چلا جب اتنے حالات خراب تھے تب بھی یہاں 96 میں الیکشن ہوئے ہیں لیکن بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈرتی ہیں فیلڈ میں آنے سے لوگوں کے پاس جانے سے ہمارا یہی ان سے مہتبانہ گزارش ہے ہماری کہ اگر وہ کہتے ہیں کام کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں روزگار دیا ہے میری گزارش ہے کہ آئے فیلڈ میں لوگ اسے اس کا معاوضہ مانگے کہ ہم نے کافی کچھ کیا ہے جموں کشمیر کو ٹھیک کیا ہے اگر وہ اپنی جگہ مطمئن ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کیوں نہیں الیکشن کرتے ہم الیکشن کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں لیکن جو جموں کشمیر کے لوگوں کا جمہوری حق ہے اس حق کو کیوں چھینا جاتا ہے یہ ہمارا سوال ہے اس حق کو جو برسوں میں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے یہ ہمارا جموں کشمیر مز یت سمارٹ میٹر نصب کرنس خلاف لوکو طرف مختلف علاقن مز احتجاجی مظاہرے کرنے چیوان تا چاز بڈگیمس مز حقلی پورہ کیو لوکو طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یت دوران احتجاجس مز شامل لوک محکمہ بجلی تے انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران اس احتجاجس مز شامل لوکو طرف ون آمت یدوے لوک گڑے کیاہو رنگو مشکلن مز ہن چ آمت تت سمارٹ میٹر نصب کرنے سوت لوکن ہندن مشکلن مز مزید اضافہ سپدمت یم کے لوک سڑکن پہ ینس مجبور سپد احجاج میں شامل لوکو طرف چی انصاف فراہم کرنے چی منگ کرنا آمد یپر اولڈ ٹاؤن ورملس مز آج زنو طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یت دوران احتجاجس مز شامل زن محکمہ بجلی تو انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس مز شامل زنو طرف ون آمت یدوے انتظامیہ طرف لوکن راحت واتنانس حوالہ بڑ دعو کرنا تاہم تیت فیصلے تین یم سیت عام لوک سڑکن پہ ینس تو احتجاج کرنس پہ مجبور سپدن احتجاجس مز شامل زنو طرف منگ کرنا آمت علاقہ مز گھن سمارٹ میٹر نصب کرنے یین یت زن لوکن مز پید سپدن خدشات دور کرنے یین ظلم تشدد
होगा कि स्मार्ट मीटर के नामों पर जो गरीब आवाम के साथ तशद्दुद किया जाता है उस पर ये आज तक एहतजाज है। कल इन बेचारों को घरों में बैठे हुए थे, इन बेचारों की जो लाइट्स है वो उन्होंने एब्रप्टली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स जो थे वो ऑक्सीजन पर थे। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि घर में क्या कोई पेशेंट है, कम से कम उसको ऑक्सीजन लेवल हम देख लेते, ये देख लेते कि वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको पहुँच दी, तो उसको उन्होंने बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा। एब्रप्टली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी, जिसकी वजह से इनको रातों को शिफ्ट करने पड़े पेशेंट्स। वो आवाम है जो गरीब तबका है, जो मजदूर पेश है, इनके पास नौकरियां नहीं है, इनके पास अजाला नहीं है कि वो अपने दो वक्त की रोटी कमा सके। इनके बच्चों ने, इन्होंने लोन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को पढ़ाया है, कोई पीएचडी है, कोई एमएससी है, किसी ने एमए किया है, कोई ग्रेजुएट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, नौकरियां तो है नहीं, घर में वो बैठे हुए हैं रेडियो पर, अगर उनको आज कोई मिलेगा रुपया 100 कमाएंगे तब जाकर वो अपने घरों को दे देंगे। मीटर में इन्होंने पहले ही 750 फिर 1000 इन बेचारों को बिल आती है, वो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। लाइट का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है। मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम आप देख लीजिए ओल्ड टाउन की हालात क्या है। डी सी साहब बारह मिला मीटर, मगर मे ना कि दवा गा पुर मे ना हार्ट पेशेंट गा पुर वो चिटी बचे फाल बह कान बिल तो बह कान स्मार्ट मीटर बिल मे ना गए पासिबल कि ना बुरी ये पेशेंट गो मे मजूर बाब तम रेडन पे तुम्हें वन माजन सही कम तमोस दिन जहत रोपये त्रे हथ रोपये चीर तम अल अना दिवान तमन बराबरदी गागो पासिबल ग नौ शेत रोपये सास रोपये पंदा शेत रोपये बिल सोन पासिबल ओल्ड टाउन गत पासिबल स्मार्ट मीटर बिल वील कर डी सी साहबस तमाम मीटर नियो वापस भरो बिल दियो भरो सुन ताकत कहें कि मे गर हार्ट पेशेंट बस पान पेशेंट बन सा हेक ये बिल भर स्मार्ट मीटर बिल करो इंसाफ। नाजरीन कोशिर खबरनाम जारी, ये नमो अख तजारती वक्फ़।